गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह आज बसी और ईशु गए हुए हैं चंडीगढ़, क्योंकि आज जो है मम्मी आने वाली हैं, इसीलिए बहुत मतलब 5-6 महीने बाद मम्मी जो है गांव से आज आ रही हैं इधर, तो बस उन्हीं को लेने के लिए गए हुए हैं। चाचा चाची सब लोग साथ में आए थे, तो वो अपने घर को जाएंगे और ये मम्मी को वहां से लेके इधर को आ जाएंगे। तो बस मम्मी की आने की तैयारी चल रही थी, मैं थोड़ा सा भी घर साफ कर रही थी, तो अब तो ये पहुंचने वाले होंगे। काफी टाइम हो गया इनको गए हुए, तो अब ये आने वाले होंगे। तो मैं नहा ली हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है और मैं सोची थी अपना रूम ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट का देखती हूँ क्या बनाना है आज ब्रेकफास्ट में। तो चलिए फटाफट पहले रूम साफ करते हैं, उसके बाद जाते हैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी गाजर को कद्दूकस, गाजर का हलवा बनाने के लिए। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पसंद है। मतलब खीर हलवा ये चीज़ें मुझे, सूजी का हलवा ये मुझे उतना पसंद नहीं है, ये नॉर्मल सा ही मैं बहुत कम लेती हूँ, पर गाजर का हलवा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और हफ्ते में मतलब ठंडियों में तो हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा गाजर का हलवा बनता ही बनता है, मैं नहीं रह पाती बिना खाए। तो बस उसी की मैं कर रही हूँ तैयारी यहाँ पे। तो जी मैंने जो है गाजर को कद्दूकस करके इसमें चढ़ा दिया है, कॉल के रख दिया है इस घी में, तो ये अपने आप धीमी आंच में पकेगा। और साथ में जो है मैंने दूध भी गर्म कर दिया है, दूध में उबाल आ गया था, दूध भी गर्म हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि एक तो गाजर का हलवा बनाती हूँ और उसी के साथ में यहाँ पे बना रही हूँ गोभी के पराठे। गोभी के पराठे क्योंकि सभी को पसंद है इसीलिए गोभी के पराठे बनाते हैं। और बाहर मौसम आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, लगी हुई है धुंध, आज यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, पूरी धुंध लगी हुई है। तो ऐसे मौसम में पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। तो पहले मैं सोची थी मूली के पराठे बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं गोभी के पराठे बनाते हैं, आज गोभी पड़ी हुई थी, तो फटाफट बनाते हैं पराठे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है गोभी को कर रही हूँ कद्दूकस, फुल गोभी को पराठे बनाने के लिए। मैं यही तरीके से बनाती हूँ गोभी को कद्दूकस करके, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, मेरा यही तरीका है बनाने का। तो फटाफट कर लेते हैं कद्दूकस। गाजर में जो है मैंने दूध डाल दिया था और ये पक रहा है अभी, इसको तो पकाते पकाते पूरा मतलब सूख जाएगा ना, फिर बंद करूंगी। तो ये भी मैंने कर दिया है, गोभी कद्दूकस कर दी है। और ये रहा धनिया और प्याज और हरी मिर्च, तो ये मैंने करके रख दिया है तैयारी सारी। तो तैयारी तो करके रख दी है, पर इसमें मैंने नमक और ये मसाले नहीं डाले, तो जब ये लोग आएंगे उसी टाइम पे, जब बनाना होगा ना उसी टाइम पे करूंगी। और अभी तक ये लोग आए ही, मैंने बसी को कॉल करी थी, तो बसी कहते कि मम्मी लोग ही लेट हो गए थे वहां से, तो इसीलिए टाइम लग गया। तो बस अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में पहुंचने वाले, तो जब लोग आएंगे उसके बाद ही मैं इस पे सारे मसाले डाल के फिर मैंने गोभी के पराठे। लोग आ चुके हैं शायद, या आओ आओ बेटा, आज सुबह सुबह लॉलीपॉप। तो माता जी आ गई हमारी फाइनली, कितने महीनों बाद। पकड़ो नहीं, वहां लेके जाओ अंदर, तभी तुम्हें बुलाया था साथ में। प्रणाम, और ठीक हो? ठीक है भैया। अरे तेरे को तभी लेके गए थे, ले लिए उठाने बोगने के लिए। कैसे लगा फिर वहां से आते समय निसास? गो गो आएगी, मैं डर तो बुरा हाल गई वहाँ पे। चलो दही ले आए आदि बेटे, अंदर अंदर भी पहुँचना होते हैं, अंदर भी पहुँचाने होते हैं बैगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए, क्योंकि भैया भाभी लोग भी नीचे आ गए थे और भाभी की मम्मी भी आई हुई हैं आजकल, तो वो भी नीचे आए थे मम्मी से मिलने के लिए, तो सब बैठ के कर रहे हैं बातें। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चाय गर्मा गर्म और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। मैंने अभी पराठे नहीं बनाए, तो मैंने सोचा जब आएंगे उस टाइम पर बनाऊंगी। और हलवा भी मेरा यहाँ पे साथ में पक रहा है धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पे सबको चाय दे दी थी और सब बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं बातें, जो मतलब कि ऐसे इधर उधर की सारी बातें गपशप हम लोगों की चल रही है बैठ के। तो जी मैं जा रही हूँ अभी छत पे ये लेके, ये भांग और मिर्च पीस रखी है क्योंकि हम लोग सान रहे हैं नींबू। भैया भाभी लोग तो नहीं है, वो लोग कहीं गए हुए, बस हम लोग ही हैं और भाभी की मम्मी है। तो हम सब बैठे हैं छत में नींबू सानने के लिए। इस वाले को रुक जाना है, इसको रहने दे, इशू रहने दे, इसी को डालो बस। इशू डालो इसको, बट डाल दे नमक नहीं है बस, दही नहीं लाए। अरे
दही सारे डाल दी सारे है मनु क्या नमक डाला आपने इसमें नहीं नमक इसमें डालू ना उस हिसाब से नमक नहीं डाला मैंने दही ले आती हूँ क्यों भंग चल बे सुबह खा लेगा मम्मी की फ्रेंड तो क्या ही बहू हुई ना वो भी आपकी सुबह दी सुबह नींबू खा ले मम्मी उन्हीं को याद कर रही है अभी इधर आके भी नींबू खा ले कहती ईशु कैसा हो रहा है ईशु ने हाथ कैसे कर रखे हैं कैसा हो रहा है सही हो रहा है इसको भी पसंद आई है ये तो शिकारी है इसके